ये देखिए मित्रों, हमने यहाँ पर लगाई हुई है इलायची के पेड़, और इस बार हम पूरे खेत में इलायची लगाने की सोच रहे हैं। ये देखिए, जो ये आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर इलायची लगती है, इन फूलों के अंदर। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बबली पंथ कुमाऊनी कल्चर पे। सबसे पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मित्रों, आज हम आए हुए हैं अपने खेत में, जहां हमने लगाई हुई है इलायची। इलायची ज़्यादा तो नहीं लगाई है, 3-4 पेड़ लगाए हैं, पर इस बार हम सोच रहे हैं कि पूरे खेत में हम इलायची लगाएं। तो अभी हम सफाई करने के लिए यहां पे आए हुए हैं, और आपको भी दिखाते हैं कि इलायची के पेड़ों के नीचे इलायची मतलब कहाँ पर लगती है। पत्तों में इलायची नहीं लगती है, जो इलायची की जड़ होती है, जड़ से निकलते हैं फूल, उन फूलों के अंदर लगती है इलायची। तो बने रहिए पूरी वीडियो में, और देखिए हम आज कर रहे हैं अपने खेतों की साफ सफाई। और ये देखिए मित्रों, मेरे पंत जी भी यहाँ पर मेरी मदद कर रहे हैं। मेरे पंत जी मेरी हर काम में बढ़िया मदद करते हैं, और जो मैं अपना ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, वो भी उसमें भी मेरे पंत जी मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर प्रकार की। इनकी वजह से ही मैं आज मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, और अब मेरे डॉलर भी बनने लग गए हैं, और मेरा गूगल एडसेंस का पिन भी आ गया है। तो ये बोलते हैं कि अच्छे काम करने में काई की रोक टोक, तो ये हर प्रकार से मेरी हेल्प करते हैं, घर के कामों में भी और जगह सब काम में, और मुझे मना नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए भी। तभी मैं अपना चैनल यहाँ पे बना पा रही हूँ और आप लोगों को दिखा पा रही हूँ। तो अब मैं करती हूँ थोड़ी सफाई, इन्होंने कर ली, थोड़ी मैं करती हूँ, और अब गाय के लिए घास भी बनाती हूँ मैं थोड़ा सा। आप लोग बने रहिए। तो मित्रों, जो यहाँ पे अच्छा अच्छा घास होगा गाय के खाने लायक, उसको मैं घर के लिए इकट्ठा करूँगी, और जो ये कूड़ा वाला होगा उसको काट के ऐसे यहाँ पे इकट्ठा कर दूँगी। उसके बाद थोड़े दिनों में हम यहाँ पर ये इलायची के जो ये पेड़ हैं, इनके बीच से नई कलियाँ निकली हुई हैं, और इनको पूरे खेत में लगा देंगे, ताकि अगले साल तक उनमें भी अच्छी सी इलायची लग जाए। तो बने रहिए वीडियो में, और देखते रहिए हमारी कुमाऊनी वीडियो। तो मित्रों, मैं यहाँ पे अच्छा अच्छा घास जो गाय के खाने के लायक है उसको अलग से बना रही हूँ, और जो कूड़ा वाला है उसको काट के यहीं पे इकट्ठा कर दे रही हूँ। ये तो एक दूसरा दिन हो जा रहा है। कभी भी ना होने वाली चीज बहुत जल्दी बढ़ती है भाई। पानी नहीं है ना, पानी इतना पानी है, यहाँ पानी हो जाता है, यहाँ इतना इतना ही होता है। इतने पेड़ मत काट यार, अभी नहीं तो मैं यहाँ हूँ नीचे। क्या कहा? अभी जाते हैं थोड़ी देर में, बस घर जा रहा हूँ मैं, फिर जाते हैं। तो
डर लग गया सांप की, चलो तो ये देखिए आज हमें मिला लालटेन। मैंने तो आज ही देखा रे, मैंने तो देखा था लेकिन हमारे घर में पानी, यहाँ से मिट्टी तेल डालते थे हाँ, वो हम मैंने ना वो चिमनी वाला देखा था जिसमें खाली चिमनी और ये होता था गोल, चिमनी के अंदर ये बत्ती से ऊपर नीचे ऐसे करते थे। ये बटन ये बता, अम्मा बताई मैं क्या करियो, यहाँ ये नहीं है इसका, ये बटन निकाल के भेजियो यहाँ बैठी थी, यहाँ से नहीं बैठ भेजिए भैया, यहाँ ये मिल गया, ये तेल के मिल गया, ये बत्ती ऊपर नीचे करने वाली है, तेल के मिल गया करनी है, मैं तेल डालने भी भेजियो। अच्छा अरे डबल करके नहीं होने की खराब के हुई आ गयो तो चिमनी नहीं टूटनी भाई, पता नहीं खालन में आए उठो तो जाम लग गया तो अब अरे क्या कहा चालू जी हमारी हो। अच्छा अब लाइट आया पर कितना की अरे अगर हम इसको अभी करें तो यूज में आएगी, बाजार में नहीं मिलेगी अभी कहीं, मिलती है अरे ये आज ने भी लेकर टीवी अरे निकल गया, निकाल दिया उन्होंने वो, अरे ये इनको इनको आ रहा है, हमको भी तो नहीं आ रहे हैं, बिना बिना हैंडल वाली तो मैंने देखी है, टेबल लैंप देखा होगा। हाँ रूपा अब खाएगी सूखी घास, अब हम तुझे खिलाएंगे गजो, हरी घास नहीं है अभी, अभी अभी प्रेमा आएगी फिर खाएगी, हाँ हरी घास ले अब गाजो खा, ठीक है नहीं नहीं बल मुनीर नहीं नहीं कहते हैं। तो मित्रों आजकल हम लोग अपने खेतों में केवल भट्टी बोते हैं, यहाँ हमारे गांव में केवल हमारे जो दादा हैं कस्तूबदा वही उनकी है रोपाई, धान तो कोई बोता है नहीं, बंदर सुअर आ जाते हैं और काम करने के लिए भी परिवार में केवल एक एक दो दो सदस्य हैं, तो घर का भी खेतों का भी इतना काम हो नहीं पाता है, तो इस वजह से केवल भट ही बो रखे हैं और भट में भी हो रही है ये कटारी वाली घास। तो अभी मैं ये साफ करने के लिए आई हूँ, कल मैं उस तरफ के खेतों को साफ करके आई वहाँ के, और अभी मैं इनको साफ करूँगी, और अभी साफ किए हुए जो खेत हैं उनमें देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं भट, अब इनकी जो ये भट है इनको ऊपर को होने के लिए जगह मिल गई है, नहीं तो कल तक ऐसे ही हो रहे थे। जो ये आप लोग देख रहे हैं ये है कटारी, अब मैं इसको निकालती हूँ एक दो खेत जब तक धूप नहीं लगती, छाया छाया में, उसके बाद जाऊँगी घर को और बच जाएगा तो शाम को फिर से आऊँगी। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे कटारी वाली घास हो रखी है वहाँ पर खेतों में कुछ ऐसा हाल हो रखा है, और इसमें भट के पेड़ों का नामो निशान नहीं दिख रहा है, और जो खेत मैंने अभी साफ किए हैं वो आप देख सकते हैं वो इस प्रकार दिख रहे हैं, इनमें भट के बोर्ड कहीं कहीं पर दिख रहे हैं, अभी छोटे ही हो रहे हैं, थोड़े बड़े होने के बाद फिर ये अच्छे से दिखने लगेंगे। तो मैंने अभी एक खेत पूरा यहाँ से यहाँ तक का कर लिया है, अब ये वाला खेत करती हूँ, और दो खेत हमारे उधर साइड को हैं उनको मैं कल को करूँगी क्योंकि अभी गर्मी होने लगी है बहुत, ये वाला खेत करने के बाद फिर मैं जाऊँगी घर और फिर गाय को गोट में बांधूँगी,
नहलाऊंगी। आज उसको मैंने अभी नहलाया भी नहीं है, तो फिर आगे को जो भी मैं करूंगी काम मैं आपको दिखाते रहूंगी, आप लोग बने रहिए वीडियो में। और ये देखिए खेत के बीच खेत में हमारे यहाँ आम का इतना बड़ा पेड़ है, पर ये आम हमारे लिए एक भी नहीं पहुँचता है, एक दाना। सारे बंदर लंगूर आके खा जाते हैं, पर आम बहुत ही अच्छे लगे हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए तो मित्रों अभी वाला खेत शायद मेरा नहीं हो पाएगा, पता नहीं अचानक से धूप भी आई है, अचानक से इतनी तेज बारिश अचानक कहाँ से आई। तो अब मैं चलती हूँ घर को, शाम को बारिश बंद हो जाएगी या नहीं होगी तो फिर मैं ये खेत साफ करूँगी। अभी तो बारिश आने लग गई है, अभी अभी मौसम बढ़िया हो रखा था पर अचानक ही बारिश बहुत तेज आने लग गई है। कपड़े भी मैंने बाहर ही डाले हैं और वो भी भीग जाएंगे, इसलिए मैं अब जाने लगी हूँ घर को। ये वाला खेत मैं आप कल को करूँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। आजकल मित्रों चातुर्मास में ऐसा ही होता है, एक पल में धूप एक पल में बारिश, अंदाजा ही नहीं आता है कि बारिश कहाँ से आ गई। पीहू, ओ पीहू, ये कपड़े उठा दो, ये भीग गए, जल्दी आ छत में। देख सकते हैं आप लोग, मैं गई थी खेत में, अचानक इतनी बारिश आ गई, मेरा सिंदूर बह गया पूरा यहाँ तक आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे कि खून आ गया। मैं घर आई पीहू और मेरी सास बोल रहे हैं वो क्या हुआ तुझे, तेरे मुंह से खून निकल गया, पर ये सिंदूर है, बैठ के यहाँ पहुँच गया, मैं जल्दी से चेंज करती हूँ। तो मित्रों अब मैं आ गई हूँ खेत से घर और यहाँ पर मैं काटने लगी हूँ सब्जी। ये वाली सब्जी मुझे बहुत पसंद है, आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। आजकल ये वाली सब्जी बहुत हो रखी है हमारे पहाड़ों में। इनकी खाने की तैयारी हो रही है और आज मैं बना रही हूँ इसकी सब्जी। इसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताएं, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, कल की वीडियो में बताऊंगी अगर आप लोगों को इसका नाम नहीं आया होगा तो। तो जो इनके बाहर का ये छिकल होता है इसको निकाल दिया जाता है ऐसे करके, तो मित्रों खाना वाना खा के हम थोड़ी देर सो गए थे दिन में। उसके बाद शाम को हम ले आए घास, सूखी वाली घास लूटे से। और मित्रों आजकल नलों में बहुत गंदा पानी आ रहा है मिट्टी वाला, तो हम नौले से पानी लेके भी आ गए हैं। तो मित्रों आज की दिनचर्या मैंने पूरी आपको दिखा दी, जो जो हमने आज काम किया। तो अब हम अपनी वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।